नमस्कार साथियों, आप सभी का इस विशिष्ट महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में स्वागत है। साथियों, पिछले महीने 12 मई को कश्मीर घाटी में एक सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या ने पूरे घाटी को दहला दिया। उसके बाद एक महिला शिक्षिका रजनी बाला, फिर एक टीवी एक्ट्रेस, फिर कल एक बैंक कर्मचारी विजय कुमार, और कल देर रात दो गरीब बिहार से काम करने वाले युवा मजदूर, उनकी निर्मम हत्या। पिछले एक महीने में देखें तो 8 से अधिक निर्दोष नागरिकों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया है, और ऐसा लग रहा है जैसे चिन्हित कर कर के गैर मुसलमानों को मारा जा रहा है, क्योंकि 3 लोग इनमें से गैर मुसलमान हैं। राहुल भट्ट की हत्या के बाद से 13 मई से घाटी में अलग अलग कश्मीरी पंडितों का समूह धरने पर बैठा है, सरकार से मांग कर रहा है। वैसे लोग, सरकारी कर्मचारी खास करके जिन्हें सरकार ने घाटी में अवस्थित किया था, वो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि वहाँ से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए, लेकिन सरकार अपने 8 सालों के झूठे जश्न में व्यस्त है। कहीं IPL का जश्न है, कहीं फिल्म का प्रमोशन है। पिछले 24 घंटों में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, लोग पलायन को मजबूर हैं, ये तस्वीरें बेहद चिंतित करने वाली हैं। और भाजपा सरकार का शांति बहाली का दावा महज आंखों में धूल झोंकने वाला प्रतीत होता है। इसी विशेष विषय पर हमने आमंत्रित किया है हमारे, मैं अब नवनिर्वाचित कहने में 2 घंटे रहते हैं, सांसद वरिष्ठ नेता आदरणीय विवेक तनखा जी को। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। कश्मीरियों में हम लोग जब किसी को एक्नॉलेज करते हैं तो हम लोग उसको नमस्कार कहते हैं। दैट्स हाउ वी स्टार्ट। कश्मीरी पंडित हूं मैं, कई जनरेशन्स पहले मध्य प्रदेश चले गए थे। हमारी वाइफ की फैमिली, हमारी खुद की फैमिली, मगर कश्मीर से नाता कभी नहीं टूटा, रिश्ता जुड़ा रहा। जब कभी भी कश्मीर में विपदा आई, मैं स्वयं वहां पहुंचा हूं। 2002 में मैंने कश्मीरी का जो ट्रांजिट कैंप है कश्मीरी पंडितों का, जबलपुर से मैंने वहां एक एम्बुलेंस डोनेट करके, महेश भट्ट जी और अशोक पांडे तो मोती कॉल सब आए थे, मैंने हैंडओवर की थी। कंप्यूटर्स मांगे थे, मैंने कंप्यूटर्स दिए थे। ये 2002 की बात कर रहा हूँ। उड़ी में जब अर्थक्वेक आया 2005 में, तो मैं तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के बहुत सारा एड लेके गया, और वहाँ आर्मी से मेरी मुलाकात हुई। आर्मी ने कहा, तनखा साहब, आप पहाड़ के ऊपर जाके इसको बांट नहीं पाओगे, हम आपके लिए बांट देते हैं। और मैंने उनको हैंडओवर किया, बट एक चीज़ कर्नल साहब ने बहुत अच्छी बोली उस दिन मुझे, कि तनखा साहब, इस अर्थक्वेक में बहुत डेथ्स हुई हैं, आई थिंक टोटल वॉज 1500 सब मिला के, मगर अब जो 5-10 दिन बाद जो ठंड आने आ रही है, उसमें अगर शेल्टर्स नहीं बनेंगे तो ज़्यादा मौतें होंगी, क्योंकि दे विल बी अनप्रोटेक्टेड। मैं शाम को दिल्ली लौटा, अगले दिन मैंने सोनिया जी से अपॉइंटमेंट मांगा। मैं तब पॉलिटिक्स में नहीं था, मैंने उनसे अपॉइंटमेंट मांगा और मैंने जाके उनको ये बात दोहराई। फिर मैं भूल गया, ऑफिस चला गया, सुप्रीम कोर्ट की तैयारी में लग गया। शाम को जब मैं घर में बैठा था तो मनमोहन सिंह जी का अनाउंसमेंट आ रहा था कि 24 घंटे के अंदर हम लोग शेल्टर्स कंस्ट्रक्ट कर देंगे। नाउ दिस इज हाउ कांग्रेस डील्स विथ सच इश्यूज। हम प्रोपेगेंडा में बिलीव नहीं करते हैं, हम पब्लिसिटी में बिलीव नहीं करते हैं, ना हम क्लेम करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, क्योंकि ये, अगर आप ट्रूली जनता के दर्द से कनेक्टेड हैं,
उनके आंसू पोछना चाहते हैं तो आप सीरियसली उस चीज को एड्रेस करेंगे, नॉन सीरियस वे में नहीं करेंगे। मुझे जो सबसे बड़ा दुख है, देयर इज लैक ऑफ स्टेट्समैनशिप इन एड्रेसिंग कश्मीर। कश्मीर बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है और इसीलिए 50-60 साल से वो इशू चल रहा है, नकारा नहीं जा सकता। मगर आपका अगर एक संवेदनशील चेहरा होता है, एक ऑल इंक्लूसिव चेहरा होता है, तो ये चीजें आपके कंट्रोल में आ जाती। क्योंकि मैं ये व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, जिस दिन पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा था तो मैंने एक चीज बोली थी, दैट कश्मीर इज लार्जर देन आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 तो एक कानून है जो डाइल्यूट भी हो चुका है बहुत कुछ, बट कश्मीर इज अ लार्जर इश्यू देन 370 एंड इसको एड्रेस करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ स्टेट्समैनशिप विच वॉज लैकिंग। आपको कश्मीर को एड्रेस करना है तो आपको जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, या कश्मीर की नहीं, कहीं की भी बात करो, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट की बात करो, आप साउथ की बात करो, कहीं की बात करो, इफ यू वॉन्ट पीस, इफ यू वॉन्ट एमिटी, यू हैव टू एड्रेस द स्टेक होल्डर्स। आप स्टेक होल्डर से बात करें बिना कभी पीस अचीव नहीं कर सकते, ये इतिहास हमको बताता है। मैंने ऐसा कोई अटेम्प्ट कश्मीर में नहीं देखा। मैंने ये देखा कि आपने सोचा कि हम प्रोपेगेंडा के माध्यम से कश्मीर को ठीक कर देंगे। अगर प्रोपेगेंडा से ठीक हो सकता था तो हिटलर वुड हैव वन द वर्ल्ड। प्रोपेगेंडा इज गुड बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, क्योंकि ओनली एज अ मीन्स ऑफ रीचिंग आउट, दैट कैन बी द बेसिस ऑफ पीस। आज घाटी में क्या हो रहा है? टारगेटेड किलिंग्स। अब खाली कश्मीरी पंडित के अगेंस्ट नहीं हो रहा है, यू नो हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग इन कश्मीर वैली जो आउटसाइड के स्टेट के हैं। आज दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है 10,000, इट कुड बी मोर ऑल्सो। अभी हजारों लोगों की सेफ्टी किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की। आतंकवादियों को कंट्रोल करना या उनका सर्वनाश करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये गवर्नमेंट की। यू कांट कीप प्लेइंग विद द फीलिंग्स ऑफ पीपल, इट कांट बिकम अ परमानेंट फीचर। जो लोग बेचारे जिनकी डेथ हो रही, आई नो कॉफ है वहां, कश्मीरी पंडित और दूसरे भी जो बाहरी लोग हैं वहां पर, वो सब बाहर जाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कम आउट ऑफ कश्मीर। ऐसी परिस्थिति हमने बनने क्यों दी? देखिए 30 साल पहले जो परिस्थिति बनी थी तब वी वर टेकन अनअवेयर, 30 साल के बाद वो परिस्थिति नहीं आनी चाहिए थी। अब तक तो आपको एक्सपीरियंस था और आपकी थिंग्स वर इन योर कंट्रोल। गवर्नमेंट 6-7 साल से तो वहां गवर्नर्स रूल है या प्रेसिडेंट्स रूल है, डायरेक्ट केंद्र सरकार का शासन है। 7-8 साल से तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो। आप किस बात, अब यू कांट कीप ब्लेमिंग कि 1950 में क्या हुआ, 1960 में क्या हुआ, 1980 में क्या हुआ, बिकॉज ये अब ब्लेम गेम इज नॉट अवेलेबल टू यू। अब देश आपसे पूछना चाहता है कि आपने क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए फॉर कश्मीर। आपका व्हाइट पेपर फॉर कश्मीर कहां है, बताइए। आप कहते हो कश्मीर में पीस आएगी, उसका रास्ता क्या है? मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, हर छोटी बात पे ट्वीट करते हैं। आई विश ही ऑल्सो ट्वीट्स फॉर पीपल ऑफ कश्मीर। व्हेन आई से कश्मीर, आई डोंट मीन ओनली कश्मीरी पंडित्स, आई मीन एवरीबॉडी अफेक्टेड इन कश्मीर। कश्मीर हमारा हिस्सा है, कश्मीर हमसे कोई ले नहीं सकता। कश्मीर के लिए इस देश ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और हम एक नेशनल पार्टी है,
इस देश को यूनाइटेड रखना इस नेशनल पार्टी का धर्म है, हमारी ड्यूटी है, हमारी ऑब्लिगेशन है। और इसलिए हम आज फिर से केंद्र सरकार से अपील करते हैं, ऑल दो स्टेप्स आप लीजिए जो जरूरी हैं कश्मीर में सामान्य स्थिति लाने के लिए। खाली बोल देने से सामान्य स्थिति नहीं आती है, ऑल दो स्टेप्स लीजिए और देश को बताइए कि वो क्या स्टेप्स हैं। दूसरी पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लीजिए, बताइए वो क्या स्टेप्स हैं। उन लोगों के साथ जिनके साथ जो बीत रही है, खराब बीत रही है, संवेदना दिखाइए, उनको कॉम्पेंसेट करिए। ये जो लेबरर हैं बेचारे बिहार के, बैंक मैनेजर हैं राजस्थान के, विजय कुमार जी, आप तो ये हालत है कि गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाके हत्या हो रही है, इवन गवर्नमेंट ऑफिसेस आर नॉट सिक्योर, प्लीज मूव देम इमीडिएटली टू सिक्योर प्लेसेस, प्लीज पुट सिक्योरिटी अराउंड देम। मैं तो चाहूंगा आज इन हत्याओं का लास्ट डे होना चाहिए, कल से वो तैयारी मुझे दिखनी चाहिए कश्मीर में कि अगला हत्या के बारे में कोई न्यूज ना आए। ये देश को हमको बचाना है, इस देश को एक एक, एक की एकता हमारी हमारे रग रग में है, और हम चाहते हैं कश्मीर में किसी तरह शांति बहल हो, जो इफेक्टेड हो उनको आप बचाइए, सेफ्टी में रखिए, सेफ प्लेसेस में रखिए, सिक्योर्ड रखिए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए कि उन वो दे आर सेफ इन कश्मीर, जिससे दे डोंट हैव टू मूव फ्रॉम कश्मीर। पलायन मत होने दीजिए, क्योंकि वो पलायन कश्मीर के लिए और या देश के लिए हित में नहीं है। मैं इस अपील के साथ एक्सपेक्ट करता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कम से कम क्लियरली सामने आए, वो स्टेप्स बताए जिससे कि कश्मीर में शांति की रास्ता हम लोग सबको दिखे। अब आप कुछ पूछना चाहें तुम देखिए, कांग्रेस पार्टी को पूछा जाएगा तो ऑफकोर्स कांग्रेस पार्टी एट द लोकल लेवल, क्योंकि दे आर इन अ बेटर पोजिशन, हमारे स्टेट की यूनिट्स और अच्छे से बता सकते हैं। बट एक मोटी तौर की मोटी बात यह है, सबको सिक्योर करिए, सबको रिलोकेट करिए, उनके ऑफिस सिक्योर करिए, और ये दिस हैज टू बी डन इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। हम 24 आवर्स के बाद ये नहीं सुनना चाहते हैं कि एक और किसी निर्दोष की हत्या कहीं और हो गई है। देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग भी एक विकल्प होता है, क्योंकि आप सबके सबका मन और सबके समर्थन से काम करते हो, यू फील स्ट्रेंथेंड। बट सबसे बड़ा है संवाद, आपको संवाद करना पड़ेगा, बिना संवाद के कोई चीज हल नहीं हो सकती। आप अगर ये सोचते हो कि आपकी एजेंसीज के माध्यम से आप अकेले इसको कर लोगे, वो एजेंसीज कितने भी अच्छे मन से काम करें, कितना भी बेचारी प्रयास करें, हम तो अपने जो नेशनल फोर्सेस की सराहना करते हैं कि जो वहां पर इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में काम कर रही हैं, बट आपको लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, संवाद रखना पड़ेगा, संवेदना दिखानी पड़ेगी, और सबसे पहले तो इन बेचारों को कॉम्पनसेशन ऑफर करो। क्या कॉम्पनसेशन है, किसी ने नहीं बताया हमको कि क्या कॉम्पनसेशन को दिया जाएगा। इनको तो एक प्रकार से जैसे एक जो लोग ड्यूटी पे डेथ हो रही है, जो लोगों की ड्यूटी पे डेथ हो रही है, स्पेशली जो ऑफिस में डेथ हो रही है, ट्रीट देम एज पीपल हु डाइड इन द कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। एक प्रकार से यू हैव टू गिव देम सम सॉर्ट ऑफ मार्टर्डम। ये राजनीतिक आंसर है, वास्तविक आंसर नहीं है। जब मैं कश्मीर गया था, मेरे तो सैकड़ों मित्र हैं वहां पर और हर कम्युनिटी के हैं, मुझे उन्होंने ये बताया अब तो कश्मीरियों को ठेका ही नहीं मिल रहा है, ठेके तो दूसरे स्टेट के ठेकेदारों को मिल रहा है, कश्मीर के लोगों को ठेका नहीं मिल रहा है। आप पता चला लीजिए, जो ठेकों का स्ट्रक्चर ऐसा कर दिया गया है कि अब जो लोकल ना जम्मू ना कश्मीर किसी को ठेका नहीं मिल रहा है, ठेका दूसरे बड़े बड़े ठेकेदारों को मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या है, सरकार, हमारी सरकार प्रोपोगंडा में विश्वास करती थी, वहीं से मैंने स्टार्ट किया था।
वो ऐसे स्टेटमेंट्स ऐसे फिगर्स देती हैं जिससे कि उनको लोग वाहवाही करें, मगर जब चीज़ें अनफोल्ड होती हैं तो रियलिटी कुछ और होती है। मुझे नहीं मालूम क्या संख्या है टेररिस्ट की, मुझे नहीं मालूम, ना किसी को मालूम होगा रियल संख्या क्या है, बट मुझे ये मालूम है कि निहत्ते इनोसेंट लोगों की हत्या हो रही है। और मेरा 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 कहना है सरकार का दायित्व है कि कोई निहत्ता की मौत ना हो। एज आई सेड, मैं इन स्टेटमेंट्स को बहुत सीरियसली नहीं लेता हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबल भी नहीं समझता हूँ, क्योंकि कश्मीर एक संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए मैं कुछ भी बोलता हूँ तो केयरफुली बोलता हूँ, क्योंकि हम एज अ नेशनल पार्टी ऐसा कोई बात नहीं कहें जिससे सिचुएशन वहाँ खराब हो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन की चीज़ नहीं है, ये सरकार डिसाइड करेगी कि स्टेक होल्डर्स कौन है। ये आप किसकी मदद करने के लिए पूछ रहे हैं? नहीं, इसका जवाब देना आवश्यक नहीं है एट दिस स्टेज। लेट अस बी मोर संवेदनशील, हमको कश्मीर में शांति बहाल हो इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन का मैं पहले आंसर देता हूँ। भागवत जी का जो स्टेटमेंट है वो उनने अपने पार्टी के वर्कर्स के लिए दिया है, और क्योंकि ये जानते हैं कि ये प्रॉब्लम है वो इनके पार्टी वर्कर्स की है, हम भारत की जनता की नहीं है। भारत की जनता सब कुछ अच्छे से समझती है और जानती है। वो अपने पार्टी की वर्कर्स को समझाएं कि आज देश में की अखंडता और एकता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बार बार देश को डाइवर्ट करना दूसरे इश्यूज़ पे देश के लिए हानिकारक है। आज फूड प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस, अनएम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ डेवलपमेंट, SC ST OBC का उत्थान, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन कीप ट्रेकिंग अप न्यू कॉन्ट्रोवर्सी जिससे लोग डाइवर्टेड रहे। रीलोकेशन तो ज़रूरी है, बिकॉज देखिए देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोमिसज दे गिव। फर्स्ट प्रोमिस वॉज कि द मोमेंट हमने कानून बदल दिया है पूरे कश्मीरी पंडित वापस आ जाएंगे और कश्मीर विल बिकम कश्मीर अगेन। और उस दिन मैंने स्पीच में अपना बोला था, मैंने कहा था अमित शाह जी मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं कुछ वहाँ की तासीर जानता हूँ, वहाँ की अगर आपका ये जो स्टेटमेंट है कि कश्मीरी पंडित वापस चले जाएंगे और बड़ी खुशहाली आ जाएगी, अगर ये बात पूरी हो जाती है तो मैं एक गरीब कश्मीरी पंडित आपको सेंट्रल हॉल में चाय पिलाएगा। वो दिन मैं आज तक रुका हूँ कि मुझे वो समय मिले कि मैं उनको चाय पिला सकूँ, क्योंकि मुझे पता था कश्मीर, मैंने पहले दिन से बोला कश्मीर प्रॉब्लम इज़ बिगर देन एनी लॉ, यू हैव टू लुक एट कश्मीर होलिस्टिकली, यू कांट लुक एट इट इन अ माइक्रोस्कोप। देखिए सबसे पहले आपको बहुत सारे दूसरे बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आप सबसे पहले कश्मीर को स्टेटहुड वापस दीजिए। जिस दिन आप स्टेटहुड वापस दे देंगे 50% कॉन्फिडेंस लोगों का वहां से स्टार्ट होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं अगर आप चाहते हो किसी स्टेट में पीस एमिटी रहे उसके लिए आपको ट्रस्ट जीतना पड़ता है। हम अपने समाज में भी जहां रहते हैं अगर लोगों का ट्रस्ट विश्वास नहीं जीत पाएंगे तो हम कैसे शांति बहाल करेंगे। तो पहले जो लोग वहां की डिमांड कर रहे हैं आप पहले वहां पर स्टेटहुड वापस करिए, फिर धीरे धीरे आप वहां पर चुनाव कराइए और डेमोक्रेटिक, मैंने तो पार्लियामेंट में बोला था अभी स्पीच में कश्मीर के बजट पे जब मैं बोल रहा था, मेरी यही तो डिमांड थी कि कश्मीर का बजट हम डिबेट कर रहे हैं जबकि कश्मीरियों को करना चाहिए, वहां के लोगों को करना चाहिए। मतलब देश का पार्लियामेंट कश्मीर का बजट पास करता है विदाउट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कश्मीर। और मैंने 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 हम लोगों की डिमांड है कि पहले स्टेटहुड दीजिए और फिर चुनाव कराइए। कल मेरे से ये प्रश्न पूछा गया था TV18 या किसी ने, JP नड्डा साहब ने ये एक बयान जबलपुर में दिया था। पहले तो मैंने हंस के बोला कि वो जबलपुर के दामाद हैं, मलिका हमारे साथ जूनियर थी कॉलेज में,
मैं जबलपुर उनका स्वागत कर रहा था दामाद के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उनके शब्द इतने तीखे होंगे कि एक नेशनल लीडर के बारे में ऐसी ऐसी बात कहेंगे। देखिए, एक संवाद का भी एक अच्छा स्तर होता है और बड़े लीडर्स के बीच में वो संवाद का स्तर मेंटेन होना चाहिए अगर हम अच्छे प्रजातांत्रिक मूल्यों पे चलना चाहते हैं। एक नंबर टू मेरा कहना था कि अगर वो चाहते हैं, वो ईडी के इस नोटिस को इतना महत्वपूर्ण मान रहे हैं, मेरे ओपिनियन में वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के डेफिनेशन में आता ही नहीं है। कौन सी चीज़ ट्रांसफ़र हुई है? दिस इज़ रीअरेंजमेंट ऑफ कंपनीज। रोज कंपनीज के शेयर्स जहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं, क्या इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं? कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है? कौन सी प्रॉपर्टी बिकी है? कौन सा एसेट बिका है? कौन सा बैंक अकाउंट से विड्रॉल हुआ है? एक पैसा विड्रॉ नहीं हुआ है, सब वैसे का वैसा है। तो क्या लॉन्ड्रिंग हुई है? नेशनल लेवल जवाहरलाल नेहरू और दूसरे फ्रीडम फाइटर्स ने इस्टेब्लिश किया था, ये स्वतंत्रता संग्राम का ये एक फल था हम लोग के सामने। उसको एक प्रकार से रीअरेंज कर रहे हैं। मेरे को तो ये उनकी आपत्ति भी समझ नहीं आ रही कि उनकी ये लीगल आपत्ति क्या है। और मुझे ये भी पता है हमारे लीडर्स आर वेरी ब्रेव, वो इन नोटिस से ना पहले डरते थे ना आगे डरेंगे। थैंक यू।